हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो सपना ने कल लाइव आगे बहुत सारी चीज़ों के जवाब दिए, क्योंकि लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि आपने ऐसा ऑडियो क्यों डाला था, आपके ससुराल में क्या बात हुई थी जिसकी वजह से आपकी लड़ाइयाँ हुई। बहुत सारी चीज़ों के जवाब दिए, तो वहीं लाइव में कुछ लोगों ने मैसेज करने स्टार्ट कर दिए कि आप तीसरी शादी कर लीजिए, आप शादी कर लीजिए। तो सपना ने इस बात का भी जवाब दिया है कि अब भाई मैं कभी भी ज़िंदगी में शादी नहीं करूँगी, क्योंकि शादी कोई खेल नहीं है गुड्डे गुड़िया का कि मैं बार बार करती रहूँ। अब मैं कभी भी ज़िंदगी में शादी नहीं करूँगी, जो मेरा होना था हो गया। मेरे घर वालों ने मेरे लिए बहुत अच्छा ही किया था, उन्होंने अच्छा घर देख के मेरी शादी की थी। 18 साल में मेरी शादी हो गई थी, उन्होंने अपनी साइड से बहुत अच्छा मेरे लिए सोचा था, अच्छा घर देखा था, सब कुछ अच्छा किया था। लेकिन मेरी किस्मत ख़राब थी, जो मेरी किस्मत में ये सब कुछ लिखा हुआ था। तो अब तो मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाली हूँ, और अब मैं चाहती हूँ कि मैं खूब मेहनत करूँ और अपनी बेटियों को खूब पढ़ाऊँ। जैसे मेरी शादी जल्दी हो गई थी और मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाई थी अपनी, क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने बोला था कि हाँ पढ़ा देंगे, और उसके बाद उन्होंने मना कर दिया बिल्कुल ही कि हमारी घर की बहुएँ बाहर नहीं जाती हैं पढ़ने के लिए। अगर बहुएँ बाहर जाएंगी पढ़ने के लिए तो घर का काम कौन करेगा। तो इसी तरीके से मैं अपनी बेटियों को जितना मेरी बेटियाँ पढ़ना चाहेंगी मैं उनको पढ़ाऊँगी और खूब मेहनत करूँगी और उनको अपने पैरों पे स्टैंड करूँगी और उनको खूब पढ़ाऊँगी और उनकी जल्दीबाजी में कोई शादी नहीं करूँगी। और मैं भी अब कोई ज़िंदगी में शादी वादी नहीं करने वाली हूँ, जो मेरा होना था वो हो गया। और ऐसा नहीं है कि अकेले ज़िंदगी नहीं काटी जा सकती है, अभी मेरी बेटियाँ छोटी हैं, जैसे जैसे बड़ी होंगी मेरा सहारा बनेंगी, सब कुछ सही हो जाएगा। मैं अकेली ही परवरिश करूँगी अपनी बेटियों की। अब मुझे नहीं चाहिए कि मैं शादी करूँ, ये सब कुछ करूँ, नहीं, अब मुझे शादी वादी कुछ करनी ही नहीं है। तो कल सपना ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी और सपना ने बोला कि मैं आगे जो मेरे पास प्रूफ्स हैं मैं उनको भी लगाऊंगी चीज़ों को क्लियर करने के लिए, और बाद में लाइव आके फिर लोगों से बात करूंगी। तो बहुत सारी चीज़ें जो थी, लोगों के मन में सवाल थे, उनका जवाब सपना ने कल दे दिया है। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय रखना बिल्कुल मत भूलिएगा।